मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड 2020 के आयोजन को लेकर कमलनाथ सरकार के तमाम मंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ की पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं। वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन ने एक कदम आगे बढ़कर इसे सीएम कमलनाथ का फिल्मी जगत में प्रभाव और दबदबे के तौर पर पेश किया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहे आईफा अवार्ड 2020 को लेकर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और कांग्रेस नेता अपनी वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे क्रम में राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम कमलनाथ के विश्वस्त के तौर पर गिने जाने वाले गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि यह समारोह सीएम कमलनाथ के फिल्मी जगत में प्रभाव और दबदबे को दिखाता है। इससे संबंधित जो एक्टिविटीज उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही प्रसिद्धि दिलाई है और इसी कारण से ये अभी शायद इस बार के अवार्ड कहीं और देना चाह रहे थे, किसी और देश में करना चाह रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कहने पे ये अब मध्य प्रदेश में और भोपाल इंदौर में होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सब के प्रदेशवासियों के लिए गर्व और फख्र की बात है और इससे माननीय मुख्यमंत्री जी के फिल्म जगत में भी संबंध किस तरह के हैं और वहाँ भी उनकी कितनी चलती इस बात का पता चलता है। और आज इसका पूरा शेड्यूल आज रिलीज हो जाएगा, इस कारण से सलमान खान की उपस्थिति में होने वाला है इस कार्यक्रम। इस दौरान गृह मंत्री बाला बच्चन ने मंदसौर गोलीकांड समेत माफियाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई पर दृढ़ता से सरकार का पक्ष रखा, साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं होमगार्ड के मांगों को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि वह इस संबंध में सीएम कमलनाथ से मुलाकात करेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं मंदसौर में लगभग शायद 45,000 अज्ञात आरोपी बनाए गए थे पूर्व की सरकार ने, पूर्व की भाजपा की सरकार में, जो 6 जून 2017 को जो गोली चली थी और जो 2-6 किसान जो मारे गए थे उस दौरान, जो आंदोलन जो चल रहे थे मंदसौर में, लगभग 45,000 किसानों को जो अज्ञात आरोपी बनाए गए थे, अज्ञात नाम से प्रकरण दर्ज थे। मेरी अभी एसपी से बात हुई, लगभग 39,000 किसानों का हम केस ख़त्म कर चुके हैं, खात्मा कर चुके हैं और हमारी प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। तो जो एक ज़िले में 45,000, उसमें से हम 39,000 ख़त्म कर चुके हैं। माफियाओं के खिलाफ मुहिम हमारी कंटिन्यू जारी रहेगी। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि इतने माफियाओं को क्यों पनपने दिया है। लगभग 615 भू माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, 694 हमने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है और जो अच्छे लोगों जो अपना जो कारोबार करते थे, व्यापार व्यवसाय करते थे, माफियों के आगे उनको घुटने टेकना पड़ता था, ऐसे माफियों के खिलाफ भी हमने लगभग 149 माफियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। ऐसे में आप लोगों की जानकारी में ये भी लाना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, अवैध उत्खनन करने वाले माफिया हो, कोई भी माफिया हमारी पुलिस कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। मैं अभी आज और कल में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा होना है, मेरी मुलाकात है, मैं उनसे चर्चा करके जो उनके फेवर में जो बेटर हो सकता है वो लोग हम निर्णय करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने जा रहा हूँ इस बारे में। यह सब पूर्व से चला आ रहा है, ये सारी व्यवस्थाएँ पूर्व से चली आ रही है और अभी हम लोग वैसे मैं काम कर रहा हूँ इस पर, मेरा विभाग काम कर रहा है और मेरे विभाग के प्रमुख सचिव ने इस बारे में बैठक भी की है। जहाँ तक मेरी जैसे जानकारी में है कि लगभग यह सब करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए 382 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, उसमें से 370 करोड़ तक की तो सहमति मोटी मोटी बन चुकी है। तो आगे उनके फेवर में जो बैटर हो सकता है हम बहुत जल्द उसका रास्ता निकालने वाले हैं। कुल मिलाकर कमलनाथ सरकार के तमाम मंत्री और कांग्रेस नेता आईफा अवार्ड 2020 के प्रदेश में आयोजन को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।